हेलो स्टूडेंट्स टूडे थ्रो दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू सॉल्व द रीडिंग विथ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज तो सबसे पहले आपने क्या करना है क्वेश्चन को रीड कर लेना है की वर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए उनके डिमांड को क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है इससे क्या होगा आपको हिंट हो जाएगा कि पैसेज में आपने किस चीज़ को फाइंड आउट करना है सिमिलरली वी विल यूज दिस टेक्निक फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ पैसेज इससे आप देखेंगे कि टाइम कितना इजीली मैनेज हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कई बार वो फर्स्ट और सेकंड पैसेस पे बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं और थर्ड पैसेस के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि टाइम कैसे आप मैनेज कर सकते हैं कैसे आप क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन वन टू थ्री चूज थ्री लेटर्स फ्रॉम ए टू एच विच थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सॉल्ट अ नंबर ऑफ सिटीज टेक देअर नेम्स फ्रॉम द वर्ड सॉल्ट Salt contributed to the French Revolution. The uses of salt are countless. So, salt has been produced in China for less than 2000 years. There are many commercial applications for salt. Salt deposits in the state of Kansas are vast. Salt has few industrial uses nowadays. Slaves use salt as a currency. Question 4 to 8. Complete the summary. Choose no more than two words from the passage for each answer. Write your answer in boxes 70 to 21 or 4 to 8. On your answer sheet. Salt is such a kya hai salt that people would not be able to live without it. As well as it its uses in cooking.

moving to question 9 to 40 so here we have true false not given if the statement agrees with the um, information then we will mark it as true if there is a contradiction it is uh, known as false if no information is regarding uh, such kind of thing in the process then we mark it as not given it has been suggested that the salt was responsible for the first war the first tax on the salt was imposed by chinese emperor Salt is no longer used as a form of currency. Most of the money for the construction of the Erie Canal came from the salt taxes. Hopi legend believes that salt deposits were placed far away from the civilization to penalize mankind. A lack of salt is connected with the deaths of many of the Napoleon soldiers during the French retreat from Moscow. Now moving to the passage. We practically take salt for granted since it is so straightforward and common one of the most fundamental compounds on the earth salt is made up of two ions uh, sodium chloride uh, according to the chemical theory furthermore it is one of the most abundant it has been calculated that the salt's reserves beneath the state of kansas alone could provide all the world's demand for the next 250000 years तो so, सॉल्ट के रिजर्व्स कहाँ पाए गए थे स्टेट ऑफ कंसाज में और उसके पास इतना था कि वो अकेला ही जो वर्ल्ड की डिमांड है रिलेटेड सॉल्ट वो आने वाले टू फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स तक कंप्लीट कर सकता है सो हियर आई कैन सी आई हैव रेड द वर्ड कि जो सॉल्ट uh, डिपॉजिट्स थे uh, वो कहाँ पे मिले थे इन द स्टेट ऑफ कंसाज में मिले थे तो यहाँ से मुझे कौन सा ऑप्शन मिल गया है गेट द ऑप्शन एफ तो यहाँ पे मैं एफ पे सर्कल कर लूंगी और यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया है सॉल्व हो गया है अगर आपको वन टू थ्री जो क्वेश्चन आते हैं आप इसमें किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं एनी ऑर्डर आंसर आपके यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं तो फर्स्ट के लिए हमने क्या मार्क कर दिया है एफ मार्क कर दिया है आगे रीड करते हैं हाउएवर सोल्ट इज अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट विदाउट इट लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल सिंस द ह्यूमन बॉडी नीड्स द मिनर टू ऑपरेट करेक्टली तो यहां से सोल्ट इज सच अ डैश दैट पीपल वुड नॉट बी एबल टू लिव तो जिसके बिना क्या है लाइफ क्या है ह्यूमन बॉडी नीड क्या है लाइफ वुड बी इंपॉसिबल तो पीपल वुड नॉट बी एबल टू लिव सो यहाँ पे पैराफ्राइज किया हुआ है तो सॉल्ट क्या है एक क्रूशियल कॉम्पोनेंट है तो क्वेश्चन फोर्थ भी हमारा सॉल्व हो गया है यहां पे हम लिखेंगे क्रूशियल कॉम्पोनेंट तो यहां से आप देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है फर्स्ट के बाद सीधा फोर्थ क्वेश्चन हो गया तो आपको फोर्थ क्वेश्चन के लिए दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा कंटेंट को द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोडियम आय इन द ब्लड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेंटेनेस ऑफ नॉर्मल बॉडी फ्लूड लेवल्स वी आर ऑल अवेयर ऑफ द वेरियस दियसिकेशन फॉर दिस एलिमेंट इन कुकिंग बट वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट्स थाउजेंड कमर्शियल यूजेज फॉर इट

बहुत सारी एप्लीकेशन है तो यहाँ पे क्या आ चुका है बिजनेस वर्ड आ चुका है तो बिजनेस के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे एप्लीकेशन यूज करेंगे कमर्शियल यूज के बारे में बात कर सके कमर्शियल यूजर्स कौन है उन्होंने मेनुफैक्चर ऑफ सोप करके यहाँ पे पैराफेज करके अच्छे से लिखा हुआ है कुकिंग की बात की है बेसिक मिनरल है तो यहाँ पे रिवर्स में लेके जा रहे हैं एलिमेंट इन कुकिंग वेरियस एप्लीकेशन तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हम आंसर मार्क करेंगे दैट इज एप्लीकेशन आगे रीड करते हैं कंटेंट को इसी के साथ एक बार चेक कर लेते हैं कि और किस चीज के बारे में बात करें कमर्शियल यूजर्स के बारे में, बारे में बात की है और यहाँ पे था देयर आर मैनी कमर्शियल एप्लीकेशन फॉर द सॉल्ट तो ये yes, यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ई ऑप्शन भी हमने मार्क कर लिया है तो ये कौन सा निकल गया हमारा यहाँ पे साथ ही में टू सॉल्व हो गया तो इतने से कंटेंट से दो पैराग्राफ से आपके फोर क्वेश्चन सोल्व हो गए दिस इज द वे यू कैन मैनेज योर टाइम इन द रीडिंग थ्रू आउट हिस्ट्री सॉल्ट हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट एंड एंड ड्यूरिंग रूल इट हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल पोलिटिकल रिलीजियस एंड economic system since the birth of the civilization it has inspired mythology superstitions and even acts of violence all throughout the globe it has been used as a money. इसको कैसे यूज किया जाता था एज अ मनी यूज किया जाता था तो यहां से हमने किस चीज के बारे में रीड किया था क्वेश्चन नंबर इलेवन मुझे कीवर्ड no की वर्ड याद था सॉल्ट इज नो लॉन्गर एज के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब नहीं किया जाता है कॉन्ट्रोडिक्शन होने की वजह से इलेवन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सो so, यहां से मेरा जो क्वेश्चन नंबर इलेवन था वो भी सॉल्व हो गया है नाउ आगे रीड करते हैं कंटेंट को चेक करते हैं और किस चीज के बारे में बात हो रही है Salt so has always been a vital component of economy since it is a valuable वेल्यूएबल एंड पोर्टेबल कॉमोडिटी की ये क्या है एक पोर्टेबल कॉमोडिटी बन गया है और एक वेल्युएबल कॉमोडिटी बन गया है तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व हो गया बींग प्राइस इट है पार्ट इन द इकोनमीज इकॉनमिक्स की बात हो रही है देखिए सारी रिवर्स में जा रही है समझिए आज आपकी तो यहाँ पे जो हम सिक्स क्वेश्चन के लिए आंसर माफ करेंगे दैट इज अ वर्ल्ड पोर्टेबल कॉमोडिटी in fact the natural surface salt deposit observed there, there led a scholar amar block to he, uh, hypothesize that civilization uh, first emerged around the margins of the desert block also suggested that the first conflict which took place near the ancient city of Assault, ऑन द जॉर्डन रिवर में सिट इज द मिनरल की जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी जॉर्डन रिवर के ऊपर वो सिटी के वैल्युएबल मिनरल के डिपॉजिट की वजह से हुई थी और वो वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट कौन सा था दैट इज अ सॉल्ट तो यहाँ से मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की डिमांड क्या कह रही है

Were, were used as a currency and tibus. according to the mark polo and the denkil plans nomads of ethiopia still use them today greek slave dealers often exchange it for the slave गिविंग ओरिजिन टू परचेज नॉट वर्थ इज सॉल्टन रेफरिंग टू समन अम दर्ड फॉर सैलरी वॉज द करेंसी यूज टू पे द रोम लेजें यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि वन ऑफ द अर्लिएस्ट टेक्सट जो सबसे पहला टेक्सट रिकॉर्ड किया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था वॉज एनफोर्स्ड बाय एनफोर्स्ड किसके द्वारा किया गया था चाइनीज मोनाक के द्वारा किया गया था और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हम चेक कर लेते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि क्वेश्चन सेवन कह रहा है एज सॉल्ट सोल्ट हैज नॉट ओनली लेट दट ऑल्सो क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए क्या वर्ड आ जाएगा टैक्सेस जो क्या किया गया था बाय इन द ऑफ वर्ल्ड तो यहां से कौन सा वर्ड निकलेगा हमारे लिए टेक्सिस वर्ड निकलेगा और ये हमारा क्वेश्चन सेवन को सॉल्व करता है क्योंकि ये पैराफ्रेस करके दिया हुआ था ठीक है आगे हम रीड कर लेते हैं इसी से आगे कंटिन्यू करते हुए कंटेंट को कि क्या कह रहे हैं किस चीज के बारे में बात हो रही है दिस मिनरल वॉस This mineral was valued equally to the books and gold by the merchants in Timbuktu, the center of the learning and the entrance of the Sahara Desert in the 12th century. In order to pay for his acquisition of the Kingdom of Naples, Charles of Anjou imposed the gable uh, a salt text. A salt text on France in 1259? The French Revolution was sparked by the outrage uh, about the gavel. और जो French uh, Revolution थी वो spark हुई थी किसकी वजह से हुई थी gavel gavel क्या था फिर salt extra. था तो यहाँ से मेरा question number first भी solve हो रहा है अगर देखते हैं कि first वन टू थ्री में से हमारा कौन सा रह गया था option तो यहाँ से third question हमारा solve हो रहा है वो third question कौन सा solve हुआ है यहाँ पर हम check कर लेते हैं कि B option जो salt था contributed to the French Revolution yes they are uh, talking about the same thing तो question number थ्री यहाँ से सॉल्व हो गया है क्या हुआ था कि जो गैबल

दैट सॉल्ट बिल्ट हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कैनल वॉज कवर्ड बा सॉल्ट टैक्स इनकम जो हाफ ऑफ द कॉस्ट थी वो किसके द्वारा कवर होती थी कैनल की कंस्ट्रक्शन की सोल्ट से जो इनकम टैक्स लग रहा था तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मुझे याद है कि सोल्ट के इनकम टैक्स के बारे में बात हुई थी और वहां पे कह रहे थे कि जो मोस्ट ऑफ द मनी मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर मनी लेकिन वहां पे कहा गया कि सिर्फ हाफ आधी मनी जो थी वो सोल्ट के टैक्स की वजह से आई थी तो कॉन्ट्रोडिक्शन होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा A thriving illicit market for white crystal resulted from the British monarchy use of hefty salt taxes to fund of its own existence. The Earl of the Donald reported in 1785 that 10,000 people were detained for salt smuggling in England each year. Mahatma Gandhi also conducted a 200-mile march to the Arabian Ocean in 1930 as a part of protesting against the British rule together. फॉर द इंडियर प्रिवलेज तो यहां तक हमने रीड कर लिया है आगे देख लेते हैं एक बार कि कोई क्वेश्चन तो नहीं सोल्व हुआ अभी तक यहाँ से तो यहाँ तक हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है लेट्स मूव फॉर द ग्रीक वर्सिपर्स कंसर्टेड सॉल्ट इन एंशियंट राइट गिविंग इट्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन दोथ रिलीजन एंड सोसाइटी इट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल No, to uh, toss salt over your shoulder be, uh, before entering your home after burial because according to the Buddhist tradition doing so frightens away from any bad spirit So that could be clinging into your back it is also used to cleanse our reins in the Shinto faith a handful is tossed into this middle of the ring before the sumo wrestler enter to, for the boot which is really a complex Shinto ritual to ward off the evil spirit so this is से था इवल स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए भी था क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व हो गया है गेट रिड ऑफ द इवल स्पिरिट सो तो क्वेश्चन एट का जो आंसर बनता है दैट इज स्पिरिट आंसर बनता है कि जो नमक था वो बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने में भी मदद करता था आगे एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है हमारा नाउ टर्निंग टू दर शेट द्यूलो पीपल ऑफ द अमेरिकन साउथ वेस्ट रिवर द सोल्ट मदर Or other aboriginal groups had stringent limitations on who might consume salt. According to the Hopi folklore, the furious warrior uh, twins punished humanity by locating the lucrative salt mines far from. Hard and to the तो उन्होंने सिविलाइजेशन को पुनिश करने के लिए वो जो उनको क्या कर दिया था लोकेट कर दिया था सो दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्टीन हेयर क्योंकि थर्टीन क्वेश्चन में बात की गई थी जो होपिल था उसने साल के जो डिपोजिट थे वो फार वे प्लेस करके रख दिया था ताकि वो कर करके पेनालाइज मतलब वो पनिश कर सके येस दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग सो फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन द आंसर इज ट्रो आगे एडिट कर लेते हैं द लाइलामा वाज बुडजेट सेटिंग अप ऑन द बेड ऑफ सॉल्ट इन 1933 टुडे अ गिफ्ट ऑफ साल्ट इज स्टिल कंसीडर्ड अ पावरफुल साइन ऑफ गुड लक एंड नोट टू महात्मा गांधीस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ह्यूमन बॉडीज नेशनल इकोनॉमीज आर टैक्स टू देयर मैक्सिमम द इंपैक्ट ऑफ द सॉल्ट डिप्रीवेशन अकाउंट्स अ ऑफ नेपोलियन मेंस पेरिस ड्यूरिंग फ्रेंच रिट्रीट फ्रॉम मॉस्को एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द पुअर वोन्ड हीलिंग की जख्म भरना बहुत मुश्किल है पुअर वोन्ड हीलिंग क्या होता है कि जब जख्म भर रहे हो